आइए अब आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री श्री अमित शाह एक सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट को संबोधित करने रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष महाशय, जिन्होंने बंगाल के संगठन को तिनका तिनका करकर जोड़ने का काम किया है, ऐसे राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, जिनके भाजपा को ज्वाइन करते ही भाजपा के चुनाव जीतने के कार्यक्रम को बहुत बड़ा बल मिला है, ऐसे भाई शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और बंगाल के सह इंचार्ज श्री अमित मालवीय जी, बंगाल यूनिट के बंगाल प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी श्री उज्जवल पारिक जी और बंगाल के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी की विजय की रीढ़ की हड्डी ऐसे सारे साइबर योद्धाओं को मेरा नमस्कार। काहे को दीदी को डरा रहे हो भाई? अब बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज आप लोगों के बीच में आकर अब सुनो भैया, आप लोगों के बीच में आकर किसी भी आदमी की कितनी भी थकान हो, उत्साह और चेतना का प्राप्ति हो, इस प्रकार का एटमॉस्फियर आज यहां पर। ये बंगाल की भूमि हमेशा से भारत देश का मार्गदर्शन करती रही, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति परंपरा हो, चाहे विज्ञान के अंदर अनुसंधान करने की बात हो, चाहे आजादी की लड़ाई के अंदर दोनों पद्धतियों से लड़कर अंग्रेज को देश के बाहर निकालना हो, चाहे आजादी के बाद अलग अलग क्षेत्र के अंदर नए नए नवाचार ढूंढकर देश को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में बंगाल की धरती का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। इस धरती ने ऐसे ऐसे महापुरुष दिए जो शायद ही किसी एक समय पर एक भूमि पर पैदा होकर देश का मार्गदर्शन कर पाए, और इसी का कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, बंगाल जो आज सोता है भारत वो 50 साल के बाद सोता है। और वो भूमि पर एक युद्ध की तैयारी के लिए आज हम लोग एकत्रित आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, मेरा सौभाग्य है कि मेरी अध्यक्षता में देश का हर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, एक लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया, और ईश्वर ने अपार सफलता भी दी। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी पली बड़ी मजबूत हुई, सत्ता में आई, और हर जगह मैंने 2018 के साल में हर जगह मैंने सोशल मीडिया मीट इसी प्रकार की ही। कलकत्ता में भी 2018 में आया था, शायद आप में से कुछ लोग उसमें उपस्थित होंगे। मित्रों, मैं हर जगह जाता था तब कहता था
कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव पाताल तक ले जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अगले 50 साल तक भारत में शासन करे ऐसी पार्टी बनानी। और इसलिए मैं अपील करता था मेरे साइबर योद्धाओं को, आइए आप आपकी ऊर्जा इस आंदोलन के साथ जुड़िए, इस चुनाव के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मैंने यहां पर भी कहा था, बंगाल में कहा था, कलकत्ते में कहा था, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी साइबर योद्धाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की नहीं है, ये लड़ाई ममता दीदी को उखाड़ फेंकने की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये लड़ाई एक दल को बदलकर दूसरे दल को सत्ता दिलाने की नहीं, एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाने की नहीं है, कुछ मंत्रियों को बदलने की नहीं है, ये लड़ाई हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत को भारत के नक्शे पर फिर से एक बार गौरव दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत की गरीबी दूर करने की लड़ाई है, ये लड़ाई सीमाओं को सुरक्षित करने की है, ये लड़ाई घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने की है, ये लड़ाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की लड़ाई है, ये लड़ाई बंगाल को फिर से उद्योग विद्या अनुसंधान और देशभक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊपर बिठाने की लड़ाई है मित्रों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए, करीबी है, मगर आज मैं कहता हूं मेहनत की जरूरत नहीं है, जान डाल कर इस लड़ाई को मजबूत करिए और ये लड़ाई जीतिए, क्योंकि यही लड़ाई बंगाल में सत्ता परिवर्तन करेगी, यही लड़ाई ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगी और यही लड़ाई पहली भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार ये महान प्रदेश के अंदर बनाएगी। और मैं आपको कहने आया हूं, और किसी भी राजनीतिक अखाड़े में जितनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी में दमखम नहीं है, किसी भी पार्टी में दमखम नहीं, मैं आपको बताता हूं, ना एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस के टोले में है, ना बुआ भतीजा की पार्टी में, ना ये फुरफुरा शरीफ वाले निकले हैं उनमें, किसी में नहीं है। मैं आपको कहता हूं बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का दम अगर किसी में है तो केवल और केवल मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। पूरी भारत की पूरी सीमा को सुरक्षित करने का दम अगर किसी में है तो मेरी और आपके भारतीय जनता पार्टी में। बंगाल के अंदर बम धमाकों की आवाज बंद कर फिर से एक बार रविंद्र संगीत की गूंज सुनाई पड़े, रविंद्र संगीत सुनाई पड़े, ये परिवर्तन लाने का दम किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। बंगाल की साइंस सिटी से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह एक सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की मीट को संबोधित कर रहे थे। तो इसी के साथ आज देश प्रदेश में भी बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।